हम आवाज कर रहे एक जगह कट कर रहा हूं देख खुदा साहब ने बोला मिलने लगे तो फिर मैंने सोचा नहीं बच्चे होने चाहिए बच्चे देखते तो थोड़ा बहुत होना चाहिए क्या फिर इस जन्म में मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू जंगल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे और खैरियत से होंगे। और अभी तौफीक और मैं अभी कपड़े पहन के रेडी हो गए क्योंकि हमको जाना है इंटरव्यू देने प्रेस कॉलोनी में एक न्यूज़ एजेंसी को। और अभी मैं नाखून काट रहा हूँ, आपने आप देख सकते कितने नाखून आए, अगर मैं ऐसे गया तो वहाँ मारेंगे मुझे। तौफीक तू कैसा हो गया वो पटवारी जैसा? हाँ तुझे ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है कुछ। मैं कलर ब्लाइंड, मुझे समझ ही नहीं आता कौन सा कलर कहाँ लगाना होता है। चलो अभी हम निकल रहे हैं और अभी हम कैब में जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ लाल चौक कभी अपनी गाड़ी लेके नहीं जाना चाहिए, नसीहत है मेरी तरफ से आपको, क्योंकि वहाँ पे सड़कें बहुत ज़्यादा खुल चुकी है और वाइड हो चुकी है तो वहाँ पे घूम जाता है इंसान इतनी बड़ी बड़ी सड़कों पे। ये देखिए गाइस, अभी हम बुर्ज खलीफा के पास है और वेट कर रहे हैं कैब का। ये देखिए रैनावारी में हम नियर जेलन हॉस्पिटल, एम्बुलेंस JLNM जेलम हॉस्पिटल के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका आज के प्रोग्राम में और मैं हूँ आपकी मेजबान फिजा बुखारी। नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं हमारे आजकल के नौजवान चाहे वो लड़कियां हो या देखो इन्हें ये अपना शोभा एक्सेप्ट कर, अपना ऑक्यूपेशन ले लिया है, ऑक्यूपेशन दे एक्सेप्टेड इट। तो हमारे साथ मौजूद है आज सईद तौफीक एंड सईद तौकीर, कश्मीर की जानी मानी पहचाने जो ना सिर्फ लीगल दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी कंटेंट क्रिएशन, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग और कॉमेडी वीडियो से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और लोगों को मुलव्वस कर रहे हैं। तो इनकी कहानी इनकी जुबानी, चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प गुफ्तगू। तो खैर मकदम है आप दोनों का हमारी चैनल में, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें अपनी जुबानी ताकि दे शुड नो कि हमारे इतने खास मेहमान जो यहाँ आए हैं। मेरा नाम तौकीर है और ये तौफीक है मेरे ब्रदर और हम आवाज कर रहे हैं एक जगह कट कर रहा हूं, मुझे हंसी आई पता नहीं। चलो सॉरी स्टार्ट। मेरा नाम तौकीर है, मेरी बहन जब आप लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया तब आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? थोड़ा जब हमने हद पार की थी तब तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स डांटेंगे ही, तो वो था, बाकी सपोर्ट तो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हो इतने प्रोफेशनल डिग्री से ब्लॉग करते हो और वहां से यही कॉमेडी वीडियोस, तो उस पे क्या रिएक्शन? गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। मतलब टीचर्स बोलते थे कि ये क्या कर रहे हो, ब्लॉग का प्रोफेशन ऐसे क्या करो, वो क्या ये क्या, लेकिन फिर फ्यूचर में जब यूट्यूब पे ग्रो हो गए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर्स भी वीडियोस उनको भी पसंद आते थे, उनके बच्चों को भी पसंद आते थे, हर टीचर सपोर्ट करता था ऐसा वीडियो का, तो वो वायरल हो जाता है तो उसका एल्गोरिथम बिल्कुल अलग है अब। लेकिन क्या बोलते हैं आपका क्वेश्चन क्या था? मैं कहाँ घुस गया? नहीं वहाँ कट करेंगे ना। ट्राइपॉड स्टैंड था या नहीं, मतलब क्या स्ट्रगल्स देखने पड़े स्टार्टिंग से? और मुझे फिर जब मिलने लगे सड़क पे या लोकेलिटी में बच्चे मिलने लगे तो फिर मैंने सोचा नहीं बच्चे होने चाहिए, बच्चे देखते तो थोड़ा बहुत होना चाहिए क्या बच्चे हो गए बच्चे होने चाहिए मेरे भी दो तीन लगती है। तो मैं लॉ का प्रोफेशन संभालने के साथ साथ यूट्यूब चैनल ये चलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और इसमें बहुत मेहनत लगती है, टू बी ऑनेस्ट बहुत मेहनत करता है आज ये जहाँ अपनी मेहनत की वजह से और मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकता। हाँ मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूँ, एक्टिंग में कर लेता हूँ, लेकिन
जितना एडिटिंग मेंटेनिंग हिज चैनल, तो ये सब बहुत मेहनत का काम है, तो मैं इसीलिए दोनों हैंडल नहीं कर सकता। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आप लोगों के टिकटॉक पे फॉलोअर्स थे या टिकटॉक के बैन होने से आप लोगों पे खास असर नहीं हुआ? टिकटॉक पे भी मेरे फॉलोअर्स थे, उसपे अकाउंट था मेरा, लेकिन वो बैन हो गया तो मुझे उतना फर्क पड़ा नहीं। मुझे पबजी के बैन होने से फर्क पड़ा। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा, देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सब रख दूँ, ये जीवन क्या तू मांगे अगर, मेरी जान नजर कर दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारी गुजारिश है कि आप भी एक स्टेंजा कम से कम गाए। प्लीज गाए। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। तो गाइज अभी हम घंटाघर के पास, मैं फ्रेंड के पास गया था, मुझे पीनट बटर लानी थी, और अभी हम घंटाघर में चले। यहाँ देखिए क्या मजेदार नज़ारे हैं। काफी मजा आ रहा है ना, अच्छा बना है इन्होंने, पहली बार आया था अब से। और यहाँ पे रिमोट कंट्रोल लाइट मेरी टांगों में घुस गई। ये देखिए गाइस घंटा घर, ओहो हो। तो गाइस अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं आया हूँ अपनी फेवरेट जगह जहाँ पे चाइनीज फूड बहुत अच्छा मिलता है। ये देखिए लाल चुक में तिब्बतियन, मुझे भी भूख बहुत लगी है। हमको हम खाते हैं कुछ अच्छा सा चाइनीज फूड और आपको भी दिखाते हैं क्या खाते हैं। इस वहाँ पे सिर्फ फ्राइड राइस और चाउमीन था, जो कि मुझे दोनों पसंद नहीं है, और टॉफी को भी। अब हम जा रहे हैं सिटी मॉल, यहाँ पे कुछ खाएंगे, कुछ मज़ेदार चटपटा सा। अभी हम सिटी मॉल एंटर हो चुके हैं और आप देख सकते हैं तौफिक शक्तिमान बन गया। उसके बाद हमने पेरी पेरी चिकन स्ट्रिप्स मंगाई और बहुत ही मज़ेदार थी, मैंने भी एक चोप मार के मज़ा ले लिया। उसके बाद तौफिक ने शौरमा खाया जो कि ठीक ठाक ही था, एवरेज था, कुछ खास नहीं था। और उसके बाद हम ऑटो में चल गए और घर की तरफ सवार हो गए। नया दिन नई सुबह और बहुत सारी ठंड, और मैं जा रहा हूँ जिम हाथ में लेके संतरा। चलिए चलते हैं और जिम चलते हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पेट चढ़ाया था मैंने गाजर का हलवा खा के, इसलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और हमेशा मैं करता रहता हूँ। आप भी किया करो, फिट रहा करो। दोस्तों ये संतर नहीं, संतर का बच्चा निकला। गाइज इतनी खतरनाक ठंड है ना आज का, सबसे मेरे हाथ ही बैठ गई, मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, रिस्ट में बहुत दर्द होता है ठंड से। ये देखिए कुत्तों से बचने की ट्रिक। फिर मारे हमने ये वाला, और मारे हमने ये वाला, और ये वाला मार के हमने कर दिया खत्म। मैं दुकान पे जा रहा हूँ चाय लेके पेंटर्स के लिए, तो चलिए दुकान पे नजर मारते हैं, उसके बाद हम आराम से बात करेंगे। क्या बात करेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, व्लॉग बनाएंगे। अभी हम आ गए दुकान पे और ये देखिए पेंट का काम चल रहा है। आप मुझे कमेंट से प्लीज़ बताइए कैसी लग रही है आपकी शॉप, मुझे बताओ प्लीज़, मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। तो गाइज अभी मैं घर आ गया हूँ और पीछे आप देख सकते हैं कैलीग्राफी लगी है मेरे बेड के ऊपर। ये मुझे कैलीग्राफी बाई नौशीबा ने भेजी है, इनका एक पेज है इंस्टाग्राम पे। आइए मैं आपको ये कैलीग्राफी दिखाता हूँ कैसी है। खूबसूरत कैलीग्राफी है, कल में शहादत इस पे लिखा है। तो अगर आपको भी ऐसी कैलीग्राफी चाहिए, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है इंस्टाग्राम की, वहाँ पे जाइए इनको कॉन्टैक्ट कीजिए और ये आपको कैलीग्राफी बना के देंगे। और इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। लाइक कमेंट और शेयर तो आप करते हो, लेकिन सब्सक्राइब भी करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। हमारी यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन करो, हमारे फैमिली मेंबर बन जाओ, अच्छा लगता है, मजा आता है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।